कोलकाता के 60 नंबर वार्ड के 3x1 गोरा चांद लेन की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कल तक जो लोग अपने छोटे छोटे घरों में जिंदगी बसर कर रहे थे, आज अपने ही देश में परदेसी हो गए हैं। उन्हें कैंप में जिंदगी बसर करना पड़ रहा है। पिछले संडे को हुए एक हादसे ने जैसे उनकी जिंदगी उजाड़ कर रख दी है। बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर की सीढ़ी गिरने के बाद उन्हें पता चला कि बिल्डिंग इंसानों के रहने के लायक नहीं है। बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें काफी लोगों की जान जा सकती है। उनकी जान की हिफाजत के लिए फिलहाल उन्हें इस्लामिया स्कूल में रखा गया है। मुसीबत की इस घड़ी में काफी लोग आगे आए हैं जो अपने अपने तरीके से उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3x1 गोरा चांद लेन की बिल्डिंग में रहने वालों के लिए न सिर्फ टेम्पररी शेल्टर का इंतजाम किया गया है, बल्कि कुछ लोग उनके खाने पीने का भी इंतजाम कर रहे हैं। इस नागहानी मुसीबत में फंसे 54 किरायेदारों और उनके घर वालों को अच्छे से अच्छा खाना फराहम करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है कि मुसीबत में फंसे ये लोग ये महसूस न करें कि वो इस मुश्किल वक्त में अकेले हैं, पूरा समाज उनके साथ है। चलेगा इस बात का तो कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो आफत जो परेशानी हमारी माँ बहनों के साथ आया है, इसमें तो कोशिश हर मोमिन को ये करना चाहिए कि इनके साथ साना बसाना खड़े रहें और जिनका जो भी हैसियत है अपने हैसियत के मुताबिक इस परेशानी के दौर में इन लोगों के साथ देना चाहिए। यही इंसानियत का तकाजा है और यही हमारा मज़हब भी सिखाता है का वक्त है। ये अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत बड़ा कोई आफत से अल्लाह ने बचाया, लेकिन ये गरीब लोग ये ज़रूरतमंद लोग बेचारे लोग घर से बेघर हो गए। हम लोगों का कोशिश ये है कि देखिए तमाम ज़रूरतें तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों का कोशिश ये है कि वक्तिया रिलीफ जितना हो सके हम लोग इन लोग तक पहुँचा सके। जिस दिन से ये हादसा हुआ है उस दिन से बहुत सारे लोग, जिसमें कैसर जमील जो हमारे काउंसिलर है, रविंद्रनाथ दास, आशीष साव, मैं, मुराद, अब्दुल मजीद और तमाम लोग, इलाके के नौजवान साथी बुज़ुर्ग इनके साथ जुड़े हुए हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोग कैसे हल तक पहुंचाएं। क्योंकि देखिए ये मकान जाहिर सी बात है बहुत पुरानी इमारत है और इमारत में रिपेयरिंग कभी नहीं हुआ जिसके वजह से ये हादसा हुआ है। अब मकान मालिक या मकान मालकिन का क्या हालात है, इसको मद्देनज़र रखते हुए, टेनेंट लोगों का परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए इलाके के लोग सर जोड़ के बैठ रहे हैं। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी बातचीत चल रहा है, कल हमारे MLA बाबुल सुप्रियो भी आए थे, उन्होंने भी देखा है और तमाम पार्टी के लीडरान तक भी ये खबर पहुंची है। कोशिश ये किया जा रहा है कि जितना भी हो सके इन तक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जाए और जिन लोग इसमें परेशानी में मलूस है उन लोग यह न सोचें कि कोई सरकार से या सोशल समाजी वर्कर से 100% कोई रिलीफ आ जाएगा, क्योंकि ये एक कोई 10 रुपया 100 रुपये का काम नहीं, एक बहुत बड़ा काम है। इसमें टेनेंट हो या मकान मालकिन हो उनको भी बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इमारत उनकी है। हम लोग परेशानी है इसलिए आज आगे बढ़ें, लेकिन जिनकी इमारत है जो टेनेंट है इनको भी बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा, तभी ये आशियाना बन पाएगा और तब एक इलाके में जो बिल्डिंग है उसका काम हो सकेगा। देखिए अल्लाह ने चाहा तो मैं तन्हा निकला था, लोग आते गए, कारवा बनता गया, इसलिए इस इलाके में बहुत सारे लोग कोई जान से, कोई माल से, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। और हर इंसान से मेरा अपील है कि ऐसे परेशानी के वक्त में आप इन लोगों का साथ दें। और हमारा मज़हब भी सिखाता है कि अगर आपके पड़ोस के साथ परेशानी आई तो आप इनका परेशानी को अपना परेशानी समझ के आगे बढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला, बोलने का मतलब यह है जब तक जैसा रहेगा पोजीशन हम लोग इंशाअल्लाह मदद करते रहेंगे और हम लोग मदद करते हैं। हम लोग एक NGO भी है नया सवेरा बोल के, हफ्ता में 2 दिन खाना देते हैं, वेडनेसडे और फ्राइडे, चितरंजन एमरजेंसी गेट के पास। और अल्लाह जब तक ताकत दिया तब तक इंशाअल्लाह ताला लोगों की मदद करेंगे। लेकिन ये देखिए पापा ने नोटिस दिए है, मेयर साहब से भी बात किया है, जितना जल्दी हो सके इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा। अभी हमको खबर पता चला है कि वहाँ कुछ सीढ़ी उड़ी का और लोहे का सीढ़ी का काम चलने वाला है और हम लोग कोशिश करें जल्द से जल्द इनका जो मसला है इंशाअल्लाह सॉल्व हो जाए।
यही अपील है कि अल्लाह जिसको हैसियत दिया है आप आइए, यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये इंसानियत आला बात है। आप जितना अच्छा काम करेगा अल्लाह आपको अजर देगा बस। और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, NGO में भी कोलैप्स हुआ है तो सीढ़ी कोलैप्स को हम लोग उसको जितना जल्द से जल्द होगा वो रिपेयर होगा, रिपेयर होकर के नया सीढ़ी का अरेंजमेंट हो रहा है नंबर वन। नंबर टू, जो भी लोग को वापस से रीसेटल होने में जो भी रिक्वायरमेंट होगा तो वो हम लोग पूरा कोशिश करके, क्योंकि ये भी हम लोग के पड़ोसी है, इसी मोहल्ले में हम लोग पले बड़े सब है, तो ये हमारे पड़ोसी भी है और अपने भी है, तो इनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम लोग इनके लिए करेंगे और उनको उनका समझ के नहीं करेंगे, अपना तकलीफ समझ के हम लोग करेंगे और इंशाल्लाह इसमें हम लोग कामयाब भी होगा।